नमस्कार, ओएलआई न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नमस्कार साथियों, मैं सतीश लोनारे सदस्य अन्न धान्य ग्राहक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज दिनांक 7/1/2019 से देवरी तालुका गोंदिया जिला के दौरे पे था, जिसमें ऐसा एक निदर्शन में मुझे एक कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ की 2-4-5 स्कूलों में, आदिवासी स्कूल हो चाहे आश्रम स्कूल हो या चाहे प्राथमिक स्कूलों में हो, बच्चों की योजना के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकारी अनुदान और एवं बच्चों के खान पान की, रहने खाने की सारी व्यवस्थाओं को यहाँ के शिक्षण संचालक और कर्मचारी और साथ में कुछ यहाँ के लोकल कर्मचारी मिलकर उसको खाकर दमन कर रहे हैं। तो उसी बिना पर मैंने इन स्कूलों में आज जब आकस्मिक भेंट दी तो सर्वप्रथम मैंने 7/1/2019 को आउजाबाई आश्रम स्कूल भागी देवरी तालुका में विजिट करने पर ऐसा निदर्शन आया है कि बच्चों के लिए रहने खाने की व्यवस्था अत्यंत बुरी थी। आंख के ऊपर इतने बुरे कपड़े थे कि जिसे हम आज एक फुटपाथ पर सोने वाले बच्चे भी नहीं पहन सकते, इतनी बुरी अवस्था में उनके आंख के ऊपर में वस्त्र थे। साथ ही संडास बाथरूम, नहाने का स्नान गृह और इतना बुरा अवस्था में था, इतनी गंदी बदबू मच्छरों से भरा हुआ था, गंदगी भरी हुई है। और जिसको संचालक और सभी कर्मचारियों को पूछने के बाद में पता चला कि सब ऐसा हम लोग रखते हैं। बच्चों से भी हम लोगों ने जब पूछा तो बच्चों ने भी हम लोगों को इसी प्रकार का बताया कि सर ऐसी ही अवस्था है। साथ ही उन लोगों के लिए सभी बच्चों की केवल मात्र 40% क्या आउजाबाई स्कूल में हमें नजर आई और बच्चों के लिए ना तो कोई बिस्तर नजर आया, ना ही कोई व्यवस्था। और स्वयंपाक घर में जब हम लोगों ने विजिट करने पर पता चला कि वहाँ पे चूल्हा जहाँ जलता है वहाँ पे कुत्ते सोए हुए थे और बड़ी बुरी अवस्था का खराब खाना बना हुआ था और टमाटर का कड़ी करके ऐसा, जबकि मेनू में अलग अलग इसमें बैगन लिखा रहता है, आलू बैगन, आलू गोभी वगैरह, बटाना गिटाना, नाश्ता गिस्ता, किसी प्रकार का व्यवस्था आउजा स्कूल के बच्चों को नहीं दिया जाता है। और जिसका पूरा का पूरा अनुदान का पूरा पैसा कर्मचारी और संस्थापक मिलकर खा रहे हैं। और साथ ही वहां पर अधीक्षक नान हजर आउजाबाई की स्कूल में व्यवस्थापक अधीक्षक कोई नजर नहीं आया, मुख्य अध्यापक प्रशांत शिंदे ये नजर आए, लेकिन वो इतनी अवस्था उनकी खराब थी कि इतनी दारू पी के स्कूल के समय में घूम रहे थे, एक सवाल पूछने पर दूसरी सवाल की बात कर रहे थे और किसी प्रकार की अवस्था हमको अच्छी नजर नहीं आई। साथ ही 8 तारीख को हम लोगों ने दूसरी स्कूल सोनियाबाई दुग्धाम स्कूल में भी विजिट किया, जहाँ की भी हमें तकरार प्राप्त हुई थी। उस तकरार के बिना पर वहां पर जाने पर भी पता चला वहां तो इतना स्वयंपाक घर और बच्चों का पोर्च का खाने का स्टॉक तो दोनों स्कूलों में नजर नहीं आया किसी भी प्रकार का। कहीं तो गोभी पड़ी थी लेकिन गोभी में बड़े इसमें कीड़े लगे हुए थे, है ना। और हरा बटाना थोड़ा सा था, थोड़ी मात्रा में नजर आया जिसमें अलिया नजर आई हमको, आटा था और स्टॉक तो 5-5, 10-10 किलो जीरा बताया गया, मसाला बताया गया, परंतु इसी प्रकार का स्टॉक में बताने के बाद में केवल कागज पर ही नजर आया परंतु मौजूदा अवस्था में कुछ भी नजर नहीं आया। और दुग्धाम स्कूल के मुख्याध्यापक दोनों के दोनों गैर हाजिर थे। और उसके बाद में जब हम सबका घर में और खाना खाने के पोर्च में जब प्रवेश किया तो साथ ही लगकर स्नान गृह था, स्नान गृह में और संडास में इतनी बदबू थी और वहीं पे संडास से सब नजर आ रही थी जहां हम एक मिनट भी खड़ा नहीं रह सके और वहीं पे जो मेरे साथ में साथी थे उन्हें वहां पे उल्टी करनी पड़ी। इतनी बुरी अवस्था नजर आने के बाद में फिर हम लोगों ने संपर्क गृह में प्रवेश किया तो वहां लकड़ियां जल रही थी, खाना बनने की अवस्था थी, पर उसके आजू बाजू में सिलेंडर रखे हुए थे और जो कि सिलेंडर घरगुती यूज के सिलेंडर वहां रखे थे, जबकि डोमेस्टिक सिलेंडर इन्होंने यूज नहीं करना चाहिए, कमर्शियल करना चाहिए और उसका भी अनुदान ये लोग लेके, जिससे वहां पे कभी भी बड़ा स्फोट होकर बच्चों की जानों के साथ में खिलवाड़ हो सकता है, इस बात को हम लोग नकारा नहीं सकते थे। और साथ ही मैंने ये दोनों स्कूलों का विजिट करने के बाद में ऐसा निष्कर्ष लिया है और ऐसा नतीजे भी लिया है कि मैं महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन,
मंत्री प्रधानमंत्री जी और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और विभाग के मंत्रियों को लिखकर ये दोनों स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए मैं अपील करूंगा। और ये दोनों स्कूल के जो बच्चे आज कम मात्रा में इन्हें बड़ी उच्च स्कूल में शिफ्ट करने की ऐसी सिफारिश मैं सरकार से करूंगा।